अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और सानिया मिर्ज़ा ने हज कर लिया है, ये आप लोगों को पता ही है। और मुझे अभी कुछ दिन हुआ रिसेंटली पता चला कि उन्होंने हज किया है। फिर उसके बाद मैंने हज करने के बाद की उनकी सोशल मीडिया अपडेट्स देखी, न्यूज़ देखी, तो अफसोस हो रहा है। और उमरा इतना करना, मतलब खुश, इतने खुश नसीब होते हैं जो हज और उमरा करते हैं। और वाकई में बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब वो लोग होते हैं जिन्हें हज और उमरा करने का मौका मिलता है। और अल्लाह ताला, पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे भी बहुत 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 ही ज़्यादा दिल से, तहदिल से अल्लाह से यही दुआ है कि मुझे भी हज और उमरा करने के अल्लाह जल्द से जल्द तौफीक अता फरमाए। और जिन लोगों को ये नसीब होता है हज और उमरा पे जाने का, तो वो लोग इस चीज़ की कदर नहीं करते। हज पे जाते हैं, उमरा पे जाते हैं, वहाँ इतनी पाक मुकद्दस जगह पे जाकर तौबा करके, रो कर, गिड़गिड़ा कर, वहाँ के सारे अरकान, सारे पर्पस पूरा करके आते हैं। और फिर उसके बाद आते ही अपने वही वही काम में लग जाते हैं। जब वो लोग जो दुआ करते हैं, इतनी सारी दुआएं करते हैं, माफ़ियाँ भी मांगते होंगे बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। मतलब कुछ फेमस सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ जो जाते हैं हज उमरा जैसी पाक मुकद्दस जगह पे, मक्का मदीना जाते हैं हज करने के लिए, और उसके बाद वहाँ से आकर अपने हिना खान जो फेमस अभिनेत्री, उनको जान बस पाकिस्तान के एक फेमस अदाकारा है, हानिया आमिर, वो भी उमरा के लिए गई थी। पर उमरा के आने के बाद भी वही उनका डेली जो सीरियल्स, ड्रामे एंड अपने आप ड्रामे करना, सीरियल्स करना, और वही हराम की कमाई, और अपने मतलब पर्दा तक नहीं करना। पर्दा तो दूर की बात, मतलब इतने ज़्यादा वल्गर टाइप के ड्रेसेस पहनना और हज उमरा करने की, मतलब इन लोगों की क्या ही ज़रूरत है हज उमरा करने की। पहले तो वो लोग जिस पैसों से जाते हैं, वो वहाँ उस पैसों का कोई मतलब यूज़ ही नहीं है। वहाँ पे हलाल पैसे, वहाँ पे तो जाने के लिए हलाल पैसे चाहिए होते हैं ना, तो वो लोग वहाँ, उन लोगों को एंट्री ही कैसे मिल जाती है मुझे नहीं समझ में आता। एंट्री ही नहीं मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। तो सानिया मिर्ज़ा भी गई थी, और उस बार लास्ट टाइम वो गई थी हज करने के लिए, और उसके बाद उनका जमकर ट्रोल किया जा रहा है। जाने से पहले उन्होंने एक पोस्ट किया था अपनी, बहुत ही लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, वहाँ जाकर बहुत अच्छी इंसान बनकर आएंगी उनकी सारी गलतियाँ। उसके बाद सऊदी अरब में उन्होंने एक परफ्यूम ब्रांड का उन्होंने प्रमोशन कर दिया, तो लोग उसको उस पर भी ट्रोल करने लगे कि वहाँ वो हज करने के लिए गई है या फिर मतलब पैसे कमाने के ज़रिए से गई है। बाकी लोग हज उमरा को इतना मजाक क्यों बना लिया है? जिन लोगों के पास नहीं है, जो नहीं जा सकते हैं, वो लोग इतनी तहे दिल से अल्लाह से दुआएं करते हैं, मिन्नतें मांगते हैं अल्लाह ताला कि उन्हें एक बार लाइफ में एक बार हज करा दें, एक बार उमरा करने की तौफीक दे दें, और उनको उस चीज़ की बेइंतहा कदर भी होती है कि वो जाकर और ज़्यादा नेक और पाबंद बन जाएंगे। और जिन लोगों को मौका मिलता है वो जाते हैं, तो वो मजाक समझ लिए, आकर फिर वही अपनी हरकतें करने लगती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ हज और उमरा को मजाक मत बनाइए आप लोग। और जिनको देखो हज पे गया है, उम्मीद रहती है कि, और सानिया मिर्ज़ा जो गई थी हज के लिए, तो उनकी मुलाकात सना खान से भी हुई थी, तो लोगों को ये भी उम्मीद हुई कि हो सकता है सना खान की तरह सानिया मिर्ज़ा में भी बदलाव आए, चेंजेस आए, वो भी इस्लाम के और ज़्यादा सना खान जैसे सबको हिदायत दें। और हज उमरा को प्लीज़ आप लोग मजाक मत बनाइए, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही मुकद्दस पाक जगह है, और हर लोगों को नसीब नहीं होता वहाँ जाना, और जिन्हें नसीब हो रहा है तो प्लीज़ उसका मजाक मत बनाइए, उसका एहतराम कीजिए, इज़्ज़त कीजिए। वहाँ से आकर अपने आप में बदलाव, चेंजेस लाइए, और अल्लाह को, अल्लाह ताला के करीब अपने आप को कीजिए। अल्लाह ताला मुझे भी हिदायत दे, मेरे दिल से ख्वाहिश है कि मैं अपने माँ बाप को हज कराऊँ। मुझे अच्छी लगे तो मुझे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और